आज मेरे पाकिस्तान के लोगों और बैरूनी मुल्क में 1 करोड़ पाकिस्तानी हो, हम तारीख के कैसे दोराए पे खड़े हैं कि अगर आज हमारा फैसला गलत होता है तो कल जो अंदोहनाक वाकिया पेशावर के अंदर हुआ है वो पूरे मुल्क में होगा। हमारे दिल हमदर्दी के और हमारी जबान से वो लफ्ज नहीं अदा मुझसे नहीं हो रहे कि मैं उन मासूम जानों का उनके लिए कौन सी दवा करूं और उनके लवाहिकीन को कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि जो उनके गम में मैं बराबर का शरीक हो सकूं। मेरे मुल्क के लोगों, मुल्क का हर इदारा खत्म है, पूरा हमारा अदालती निजाम खत्म है, देख लें FIA को, FBR को, पुलिस को, कस्टम को, नेब को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को और अदालतों को। और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अपने आप से सवाल करें कि इसको खत्म करने वाले कौन हैं? इंडिया नहीं, इसराइल नहीं, अमेरिका नहीं, हमारे ही भर्ती किए हुए बच्चे हैं जिन्होंने अपने मुल्क को अपने जाती मुफादात के लिए खत्म किया। बाजवा रंजीब 11,000 अरब इस गरीब मुल्क का, और आज महंगाई का जो तूफान है, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कि जहां एक सेनेटर, ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, सुन लें, जहां मुल्क का इतना ताकतवर सेनेटर अपनी हिफाजत के लिए इंडिया से नहीं डर रहा, TTP से नहीं डर रहा, जलजले और तूफान से नहीं डर रहा, अपने मुहाफ़िज़ों से डर रहा है, कि जिस तरह 13 अक्टूबर को उन्होंने मुझे घर से उठाया, जो तशद्दुद किया, वो वाकिया फिर कहीं इस सेनेटर के साथ तब पेश हो। और जब इतना ताकतवर सेनेटर, ये सारे देख लें जो मेरे सेनेटर्स हैं, जो मेरे वकला हैं, कि अगर ये अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, किससे? अपने हिफाजती इदारों से, जिनको मेरा मुल्क, मेरी कौम, मेरे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह देती है और उनको इज्जत देती है। ये अलमिया है, 76 साल की उम्र के अंदर मैं देख रहा हूं कि इस कदर अनार्की पहले नहीं थी। आज मैं बहुत बड़ा एक ऐलान या बयान देने वाला हूं, और वो बयान गुस्से की वजह से नहीं, आज मेरी जबान में गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि इंतहाई एहतराम से और प्यार से, और वो दे रहा हूं मैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, जो मेरी बहादुर अफवाज का आर्मी चीफ है। जनरल साहब, एक रास्ता वो है जो बाजवा और उसके हवारियों ने इख्तियार किया, मेरा मुल्क तबाह किया, आपका मुल्क तबाह किया, आपको जब मिला तो तबाह हाल मुल्क मिला, और उस बाजवा और उसके हवारियों पर पूरा पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी लानत भेज रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। कोई मेरी माँ और बेटी ऐसी नहीं होगी जो सर नंगे करके उनको बददवा न दे रही होगी। आसिम बाजवा साहब जिंदगी के अंदर
आसिम मुनीर साहब, माफ करना, जिंदगी के अंदर इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा रुतबा और खासकर पाकिस्तानी अफवाज का आर्मी चीफ, किसी गैरतमंद मां के बेटे को ये रुतबा नसीब होता है। आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि 22 करोड़ लोगों के लिए और इस मेरे कीमती मुल्क पाकिस्तान के लिए अर्ज कर रहा हूं। इनफरादी तौर पर मैंने किसी से ये पूछा नहीं, मैंने अपने कप्तान से भी ये बात नहीं की, इसलिए इनफरादी तौर पर ये अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा इस मुल्क को बचाने में अपना किरदार अदा करें। आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनसे अपनी जान छुड़ाएं। बाजवा ने जो स्क्रिप्ट दी है उससे मेरा मुल्क नहीं चलेगा। हां, अगर आजम सवाती को उन एजेंसियों के गुंडे जो 13 अक्टूबर को आए थे गोली मारकर मकसूद करना, और इससे अगर मेरा मुल्क चल सकता है तो बिस्मिल्लाह, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे कप्तान को मारना मकसूद है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन मुल्क हम दोनों के मरने से भी नहीं बच सकेगा, इसलिए कि हमने अरशद शरीफ को मरता देखा, मुबीद पीरजादा को मुल्क से जाते देखा, साबर शाकर को जाते देखा, और यहां कई मीडिया के लोगों के कपड़े निकलते हुए देखे। मुल्क को बचाने का वो तरीका मुकम्मल तौर पर गलत है। तो मैं बताता हूं रास्ता, जनरल साहब इंतहाई अदब से बता रहा हूं कि अगर इमरान खान के खिलाफ आपकी कोई गुस्सा है, रंजिश है, दुश्मनी है, तो खुदारा 22 करोड़ लोगों और इस कीमती अपने मुल्क के लिए और अपने इस ओहदे और 5-6 लाख मेरी बहादुर अफवाज के लिए उस गुस्से को दूर करें, इसलिए कि आप सैयद हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। खुदारा उस दुश्मनी को, उस गुस्से को 22 करोड़ लोगों की और इस पाकिस्तान की तबाही के लिए न बनाए। इसलिए बहुत बड़ी इज्जत है जब आप और आपके अस्करी अदारे मेरे मुल्क और मेरे कानून और मुल्क के आईन, जिसका आपने हलफ लिया है, अगर आप उसके ताबे कर दें तो पाकिस्तान का मुर्रख, इस मीडिया की ये आंख, पूरी दुनिया में आपको इज्जत देगी। मैं आज कोई मनफी बात नहीं कर रहा, ताकि मेरा ये पैगाम आप तक, मेरी अफवाज जो छावनियों में है, मेरी बच्चियों तक, उनके घर वालों तक पहुंचे कि आजम सवाती ने आज अपने आर्मी के चीफ को जो इल्तिजा की है, अपने लिए नहीं, खुदा की कसम, मैं तो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हूं अपने मुल्क के लिए, और उसी मुल्क के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि रविश बदलें, आए हम सब आईन और कानून के ताबे हो जाएं, इसलिए कि मोदी तुम्हारा और मेरा इस मुल्क का दुश्मन, उसकी इकॉनमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और मेरे मुल्क के लोग, गरीब लोग 1 किलो आटे के लिए, महंगे आटे और पेट्रोल के लिए आज लाइनों में लगे हुए हैं। और यकीन करें कि दहशत की जो दास्तान हमने कल देखी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए कानून की हुक्मरानी वाहिद हल है। और अगर जनरल साहब नहीं तो मुझे कोई ऐसा मुल्क
मेरा मीडिया बता दे, सिविल सोसाइटी बता दे, मेरे काबिल कदर वकला और जजेस बता दें कि हाँ फला मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं और वहां खुशहाली है, हरियाला है। आओ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट और उम्मीद है, नफरत नहीं, कि हम इस अपने मुल्क को बनाने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करें। अल्लाह करे, मेरे हाथ उठे हुए हैं दुआ के लिए कि या अल्लाह, जिसके सीने में तेरा कुरान है और जो सैयद है, अल्लाह मेरी आवाज उस तक पहुंचा और अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी के लिए उसको अपनी स्क्रिप्ट लिखने की तौफीक अता करे। यही वाहिद रास्ता है जिसमें आपका, हम सब का कीमती पाकिस्तान बच सकता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।